होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ। सर, हमारे दुकान में 31 तारीख को शाम लगभग 5 बजे के आसपास रहे होंगे, पानी गिर रहा था काफी, मतलब अंधेरा टाइप और हल्का था। कैलाश गुप्ता आया, हमारे दुकान में ठोकर मारा, गाड़ी के ठोकर, बोलेरो में लाए, कत्थई कलर का उसका बोलेरो था, लाल कलर का, उसका नंबर है हमारे पास लिखा है, और मारा। इसके बाद पुनः मारा, फिर उसका कांच फूटा और उतरा तो फिर हमको मारने लगा हमारे दराज से, लगभग 60-70 हजार रुपये, 60-70 हजार रुपये, और मेरे गड़े का चैन लगभग 2.5 तोला का था, और लॉकेट एक मूर्ति की थी, एक माला था, वो सब छीन लिया, माला और लॉकेट फेंक दिया और चैन ले गया, पैसा भी हम लगभग 60 हो 62 हो 65 हो जो हो पैसा भी ले गया, हमारा चाबी भी ले गया, हमारा सामान तोड़फोड़ किया। और हमको काफ़ी दिन से, लगभग हमको 3 साल से परेशान करते आ रहा है, बट हम श्रीमान जी हर जगह शिकायत किए, कोई उसकी सुनवाई नहीं की। वो बोलता है मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, प्रतिनिधि हूँ, तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है उसका। वो बोलता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, और एक सिंह साहब हैं, छुटकू साहब, एक माने उनके बच्चे हैं राजा गुप्ता और मोनू गुप्ता, उनकी माँ और उनकी मिसेज, ये सब हमारे घर में अंदर प्रवेश हो के और हमारे घर में छीना झपटी किए, लूटमार किए, मेरा चैन ले गए, पैसा ले गए, और काफ़ी लगभग 3-4 लाख रुपए का तोड़फोड़ किए। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और वो हमको हर हमेशा परेशान करता आ रहा है। और मेरा कूलर ले गया था, जो कि कूलर तिवारी थानेदार जी, वो मोबाइल उसका लड़का रखा था कि हम ले लेंगे और मोबाइल तुमसे ले लेंगे, और मोबाइल उसके बदले में रख दिया था। आखिर यह सब जो झगड़ा हुआ किस बात को लेकर हुआ, और क्यों इतना बड़ा झगड़ा हो गया, वो आपके अंदर तक क्यों पहुंच गए, दुकान के अंदर, जैसा कि आप बता रहे हैं लास्ट दुकान का जो पीछे का गेट है उसके पास तक वो पहुंच गया था, ऐसा क्यों हुआ? सर, ऐसी बात हुआ कि मैंने वो हर हमेशा उसका अमादा था, और अंदर इसलिए लाया कि अगर बाहर मारेंगे तो लोग छुड़ा देंगे, तो हमारा दुकान की चौड़ाई 9 फीट है, वो अंदर खींचता हुआ हमें लाया, जो कि मैंने हमारा तबीयत पहले से खराब था, हम नहीं जाने उसको कि हमको मारेगा, और खींचते हुए लाया। जैसे बाहर उसके परिजन खड़े हुए थे जिनके द्वारा बताया गया कि आप उसको, यानी उस व्यक्ति को आप अंदर खींच के लाए थे और आपने ऐसा उसके साथ मारपीट किया? नहीं, श्रीमान जी, ऐसा नहीं हुआ है, उसका हमारे पास प्रूफ है, और मेरे दुकान में गाड़ी का 2-3 बार ठोकर मारा है, मेरा सामान लगभग 50 हजार का नुकसान रोड में हुआ है, रोड में किया फेंक फेंक के, और वो हमसे 3 महीने से झगड़ा कर आता है, जो कि उसको पुलिस चौकी निवास में दर्ज कराई है, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं किया गया। श्रीमान जी के यहाँ मैंने 2-3 बार विनय भी किए और रिपोर्ट भी किए हैं, और रिपोर्ट मेरे पास उसका प्रतीक है, और उनको हर हमेशा झगड़ा कराता है, और हमारा ना परिवार है, बिरादर जात है, बाकी उसका पैसा है गंदी गंदी सामान बेचना, कहीं गांजा बेचना, कहीं दवा बेचना, कहीं कोरिक्स बेचना, और दूसरे को प्रताड़ना करना, और भारतीय जनता पार्टी की बदनामी करने में वो आमादा रहता है, और वो हर हमेशा उसका रूल है कि हम विवाद करते आए, और जो कि हमारे भाई परिवार से भी मैंने मिल के, और हमारे संपत्ति को छीनने से, मेरी मिसेज 4 साल पहले खत्म हो गई है, उसके कारण ये सब हमारे साथ ये कर रहे हैं। और इस विवाद में कितना चोट आया था उनको और कितना चोट आपको? कोई चोट नहीं आया, ना उसको मारे हैं ना पीटे हैं, हमारे सर में चोट आया है, पैर में चोट आया है, हाथ टूट गया है, पैर में हमारा खुरिया डिस्टर्ब हो गई है, और जो कि हमारा सहारा कोई देने वाला नहीं है, एक प्रभु के अलावा, मैं प्रभु के अलावा कोई सहारा देने वाला नहीं है। हमको वर्मा थानेदार के सामने 2 मुटका गाड़ी में मरवाए, वर्मा जी, उनका वर्मा का हम नाम नहीं जानता, मेछा वाले वर्मा है, वो 2 मुटका हमको मरवाए हैं गाड़ी के अंदर, हमारे सर में 2 मुटका मरवाए हैं। किससे मरवाए? कैलाश गुप्ता से हमको 2 मुटका मरवाए, फिर इसके बाद हमको हॉस्पिटल में मारने गए। अभी तक पुलिस के द्वारा क्या कार्यवाही किया गया, कार्यवाही कहाँ तक? अभी तक हम हॉस्पिटल में 1 हफ्ता भर्ती थे सीधी हॉस्पिटल में, और 1 हफ्ता से अभी मैं सीधी हॉस्पिटल से कल आया हूँ घर,
हमको माने प्लास्टर बंधवा के रिफर कर दिए हैं, छुट्टी कर दिए हैं, अब बोल रहे हैं अपने अपना जान दवाई करवाइए, उपचार कराइए। हम अपना उपचार करवा रहे हैं और हमें उपचार के लिए भी अभी हमारा मूड में तकलीफ है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, सर में हमको सर घुमाता है, खून की उल्टी हुई है, मुंह से खून निकला है, कान से खून निकला है, कोई देखने वाला नहीं है कहीं, वो हर जगह भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बात करता है। आए दिन में हमको इनके द्वारा किसी दिन हमको हमला कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम दिए देते हैं कि किसी दिन हमको रात बिरात ही मार सकते हैं। हमारे घर में लाख कर दिए थे, हम हॉस्पिटल में थे, हमारी मिसेज बोली कि लाख है, तो तिवारी जी थानेदार बोले कि तुम्हारा घर ताके हम, तो घर ताके नहीं वो देते हैं। अरे घर न ताके सर, परंतु तो हमारे घर में जानकारी हम दे रहे हैं, तो उसकी जानकारी से जानिए तो कि मतलब कौन कर रहा है ये अफवाह। और जो हमको बार बार मारता है पीटता, हम चार बार रिपोर्ट दिए, चार बार छः बार रिपोर्ट दिए, तो हमारा मोबाइल भी तिवारी जी थानेदार उसके लड़के को दे दिए हैं, और हमारा पैसा 7800 रुपये हमारा कर्ज है, जो कि तिवारी जी को जानकारी है, तिवारी जी थानेदार को, और हमको पैसा नहीं मिल रहा है। हमारा मुझ गरीब का अगर ऐसा मारा जाएगा तो लोग कहाँ जिएंगे, 100 रुपये 200 रुपये का धंधा है, 10-10 हज़ार रुपये लूट मार हो रही है, अगर नहीं देते हैं तो हमको मार पीट करते हैं।